बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि ठीक होंगे, ठीक रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट के काइंडली, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज सिस्टर ने हमारी दावत की हुई थी। सिस्टर जो है वो सियालकोट में रहती है माशाल्लाह, और हम लोग गाँव में रहते हैं। तो उन्होंने आज हमारी दावत की हुई थी सारी फैमिली की। मैं अपनी फैमिली तो लेके निकलने लगा हूँ, बाद में अम्मी, छोटा भाई, दूसरे जो मेम्बर हैं वो बाद में आएंगे। मैंने सोचा मैं टाइम पे निकलता हूँ, हमने बाइक पे जाना है। आधी दफा जो है इनसे पहले हम लोग जाएंगे, क्योंकि आधी दफा ठंड हो जाएगी काफी ज्यादा, तो बच्चे भी साथ में होने हैं, ठंड ना लग जाए, इसलिए जो है पहले जा रहा हूँ, पहले ही आ जाऊंगा वहां से। हम लोग जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। ये बच्चा है मेरा माशाल्लाह से, ये सो रहा है और बच्ची भी जो है अभी तक सो रही है। उठो उठो चलें फिर ना प्यार। अरे हाँ, उठो भाई, उठो 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 जल्दी, फिर चलते हैं। अभी इनका ये मसला है कि बाइक पे इनको बिठाना है और साथ में इन्होंने सो जाना है। तो आज तो वैसे पहले ही सो गए हुए हैं, शायद बाइक पे ना सोए। अरहम और हम बाइक जो है ना वो वैसे मैंने बाहर निकाल लिया, थोड़ी देर स्टार्ट करके रखता हूँ इसको, इंजन वगैरह जो है ना वो गर्म हो जाएगा। और बच्चे जो है ना वो अभी आ रहे हैं, ऊपर से उठ ही नहीं रहे अभी तक जो है ना। तो हम लोग जो है ना वो सिस्टर के घर पहुँच गए हैं, और हम जो है ना वो चला गया अंदर। तो ये काकी जो है ना नाभिया, ये मेरे पास ही अभी, ये सारे रस्ते सोई हुई आई है, अभी आके उठी है यहाँ पे। तो कहाँ पे आ गए हैं काका हम लोग, हैं हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, बताइए कौन सी जगह है, किधर आ गए हम लोग। हम लोग सुबह के 10 बजे के जो है ना वो गांव से यहाँ पे आगे हुए हैं, मगर इन्होंने ये साथ से आना था, ये साथ इनका घर है, मगर ये लोग सुबह का तीसरी दफा आ चुका हूँ, तीसरी दफा की तरह नहीं। ये जो है ना अभी आ रहा है, तकरीबन अभी 1:15 हो गया, जाने हो रही है, डेढ़ हो गया सॉरी। तो चौधरी साहब, तो मैं जो है ना वो सिस्टर की तरफ से होके वापस आ गया हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। दोस्त इन्होंने लगाया है जाल, ये मुर्गाबियां पकड़ने के लिए ये वाला जाल लगाया है, और मगराबियां और मुर्गाबियां इस साइड पे, देखते हैं क्योंकि पकड़ी जाती है, जाल में आती भी है कि नहीं। हम लोग वैसे वहां पे जाके बैठने लगे हैं, तो चेक करते हैं वैसे कोई माल शाल आता है नहीं। वैसे ये मुर्गाबियां आ रही हैं आस्ता आस्ता इस तरफ, बच्चों की वजह से काफी मुश्किल हो के हम लोग आए हैं। गए भी इसी तरह थे कि बच्चे जो जाती दफा भी सो गए थे, आती दफा भी सोए रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है बाइक पे। अभी जो है ना लगता है कि कोई आ गई है मुर्गाबी जो है ना वो अंदर। पता नहीं अभी मुर्गाबी है या कोई और चीज है, तितर वगैरह, चिड़िया थोड़ी दे अज छाड़ू जा चिड़िया दे लाल नहीं मुर्गी मुर्गाबी होएगी तो फिर चिड़ी ने छाड़ दे बेचारी छाड़ दे चिड़ी नू छाड़ दो चिड़ी नू छाड़ दो साह जी मुर्गाबी आएगी ओनू गै फड़ियो जी दरवेश साहब साईं साहब चिड़ी छड़ दवो छड़ दे यार निके निके बच्चे होने ने घर रोंदे होने चल दरवेश दा हुण चिड़ी नू दे छड़ बेचारी नू चिड़ी नू छड़ हड़ यार नहीं वड्डा शिकार ओ गल ठीक है वड्डा शिकार आएगा ओनू कर नहीं चिड़ी नू छड़ दे बेचारी नू छोटे शिकार करांगे ते वड्डी चिड़ी बेचारी की करे ठंडा दुध पी मरे दुआवां देगी ए नहीं देगी न्याणे ते देणगे। अभी जो है जाल की तरफ जा रहे हैं, ये एक मुर्गाबी जो है ना वो जाल के नजदीक आ रही है, वो एक बंदा वो दूर खड़ा ये सामने, एक ही वहां पे खड़ा और एक बंदा जो है ना यहाँ पे खड़ा। मुर्गाबियां जो है ना जाल की तरफ गई थी और फिर जो है ना वो उड़ गई हैं। अभी ये अभी ब्लेम कर रहे हैं, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, एक वहां पे खड़ा है, एक वो वाला बंदा है, ये ब्लेम कर रहे हैं मुझे कि तुम वीडियो बनाने आ जाते हो इस वजह से उड़ गई हैं। बार बार कहते हो ये मुर्गाबियां आ गई हैं, ये पकड़ लिया, ये कर लिया, इस वजह से जो है ना मुर्गाबियां जो है ना वो नहीं आ रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इनको मैंने बोला था कि यार वो चिड़िया छोड़ दो, तो ये कह रहे हैं कि तुमने हमें मतलब कि वो चिड़िया छुड़वाई थी, हमारा पहला शिकार था वो तुमने उड़ा दिया, तो इस वजह से जो है ना अभी दूसरा शिकार हमें मिल नहीं रहा। तो आज तकरीबन सारा दिन ही दावत पे रहा हूँ, सारा दिन वहीं पर गुजरा है, तो वीडियो भी इतनी ज़्यादा बना नहीं रहा, वैसे भी इतनी ज़्यादा वीडियो बन नहीं रही, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है ना वो बच्चों के साथ गुजार रहा हूँ, इसलिए वीडियोज़ वगैरह जो है ना इतनी ज़्यादा नहीं बना रहा,
क्योंकि आया ही मैं इसी काम के लिए था, बच्चों के साथ वक्त गुजारने के लिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह गुजर रहा है। तकरीबन 5-6 दिन रह गया मेरी फ्लाइट में, फिर पता नहीं कब आना है कब नहीं आना, ये तो अल्लाह ताला को पता है आना है नहीं आना। तो अल्लाह ताला जो है ना नसीब करे दोबारा बच्चों के साथ आना सब कुछ। दावत वगैरह के चक्कर में इसीलिए आज वीडियो छोटी सी थी, आप लोगों से छोटी सी वही रिक्वेस्ट के काइंडली अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।